जैसे कि बीजेपी ने पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चलाया है। सर आपको क्या लगता है कि देश के युवा और अन्य लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार गोयल, मैं सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, श्री रामलीला कमेटी से भी जुड़ा होकर चलाता हूँ और आपने भारतीय जनता पार्टी से भी, राष्ट्रीय सेवक से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है, शायद आपको पता है कि पिछले 5 साल पहले श्री अमित शाह जी ने भी पहले जी सदस्य अभियान चलाया था, जिसके अंदर हम लोग वर्ल्ड की नंबर वन पार्टी बने जितने हिसाब से सदस्य बने थे उस, और इस बार उस अभियान को दोबारा लिया गया है। उस अभियान में, इस अभियान में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले मिस कॉल अलर्ट होकर कर हमने अभियान से जुड़े थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो भी बंदा सदस्य बन रहा है वो उसकी फ़ोटो भी डाउनलोड हो रही है, उसको फ़ोटो का क्लिक भी उसके पास आ रहा है वो, और अगर इस तरह से जो अभियान आएगा सदस्य का, बिल्कुल एक जो किसी को भी ये कहना होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ज़बरदस्ती मेंबर बना दिए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। और बहुत अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे उम्मीद है, जब मैं कई लोगों से मिलता हूँ कहता है भाई साहब देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बन गया हूँ, अब मोदी जी के हम साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभियान बहुत अच्छा चलेगा और चलना चाहिए। सर जैसे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी, केजरीवाल की सरकार जा सकती है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, 21 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और जो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी के जो इस बार वापस जो 2019 में नेतृत्व मिला है इस प्रदेश के अंदर, जो केजरीवाल जी के अंडर लीडरशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं वो सारी धीरे 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 करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। 21 साल बाद दिल्ली का भाग्य उदय होगा। सर कल कर्नाटक में कल कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई, इस पर आपके क्या कहना चाहिए? देखिए कर्नाटक में जो सरकार गिरी है वो गिरनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये गठबंधन नहीं था, ये सिर्फ पर ये मतलब देखा जाए विधानसभा में पहले का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा हो और बाद में सरकार बनाई हो। इन सब का एक ही कार्य था कि किसी भी कार्य भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और सरकार से बाहर रखा जाए, और जिस तरह की जो वहाँ राजनीति कर रहे थे मेंबर्स जो थे जेडीयू के हों या कांग्रेस, बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि हम मिलकर जो सरकार बनाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ जोड़ा और श्री येदियुरप्पा जी कल उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेंगे। हमारी जय श्री केशव रामलीला कमेटी जो सेक्टर 10 रोहनी में है, पिछली बार भी बहुत अच्छे आयोजन में दिल्ली की 3रे नंबर पर रही है, इस बार हमारा प्रयास है कि दिल्ली की नंबर 1 रामलीला रहेगी। इसके अंदर हम कुछ और काम करने जा रहे हैं, इसमें सामाजिक मुद्दों से उड़े हुए कुछ मुद्दे हैं वहाँ लाने की हमारी कोशिश है, जैसे पर्यावरण के ऊपर मुद्दा चल रहा है, पोल्यूशन के ऊपर मुद्दा है और स्वच्छ अभियान पे मुद्दा है, उन मुद्दों को भी हम रामलीला में लोगों के साथ उजागर होकर आगे चलेंगे ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर हम सार्वजनिक जीवन बिता सकें।